हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको बताते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का ऑर्गेनल्स है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो गाइस देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑर्गेनल एक प्रकार के हैं, जो चक्करदार झिल्ली, संलग्न कोशिकाओं या ट्यूब जैसी संरचनाओं के एक दूसरे से नेटवर्क बनाता है। ठीक है, कहने का ये तात्पर्य है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह एक प्रकार का ऑर्गेनल्स होता है और चक्करदार झिल्लियां, संलग्न कोशिकाओं या ट्यूब जैसी संरचनाओं का एक दूसरे से नेटवर्क बनाता है, जो सिस्टर्न के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका अर्थ क्या होता है गाइस? इंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीवद्रव और रेटिकुलम का अर्थ होता है जालिया जालिका, मतलब जीवद्रव में जालिया जालिका। ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ होता है। चलिए बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गाइस? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है वो क्या होता है? झिल्लियों का तंत्र सिस्टम मेम्ब्रेन भी कहलाता है। मतलब ये कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप झिल्लियों का तंत्र भी कह सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसा कि आपने अभी देखा था कि देखिए आगे यहाँ पे आपने देखा था कि इसका मतलब होता है कि जीवद्रव या जालिया जालिका, इसीलिए इसे हम ये कह सकते हैं कि झिल्लियों का तंत्र या सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या झिल्लियों का तंत्र भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि सेल्स हमारे टू टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, तो जिसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मांसपेशियों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मतलब कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मांसपेशियों में पाया जाता है उसको हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। ओके गाइस, इसमें हमारी कैल्शियम की अधिकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है वो क्या करता है कि वो जो हमारा होता है, देखिए, उपापचय, ठीक है, मतलब कि उपापचय रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं जैसे आंत्र कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, अग्नाशय कोशिका आदि में इसकी संख्या अधिक विकसित होती है। इन सभी में, मतलब कि जैसा कि प्लाज्मा कोशिका, अग्नाशय कोशिका और आंत्र कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या अधिक विकसित होती है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, या फिर हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके गाइस, चलिए देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रेटिकुलम क्या है। देखिए गाइस, अंतःपृथ्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स नहीं होते, ये मतलब कि जो होते हैं उनके तीन घटक होते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीन घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर हमारा सिस्टर्नी। क्या है गाइस? फर्स्ट नंबर हमारा है सिस्टर्नी। चलिए आगे हम देखते हैं, सेकेंड नंबर हमारा क्या है। हमारा जो सेकेंड नंबर है वो है आगे, देखिए, सेकेंड नंबर पुटिका। क्या है गाइस? सेकेंड नंबर हमारा है पुटिका, जिसे बोलते हैं वेशिकल। थर्ड नंबर हमारा है नलिकाएं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबल। ठीक है, ये देखिए नलिकाएं और ये देखिए पुटिका। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं सिस्टर्नी के बारे में, कि हमारा ये सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी जो होता है ये लंबी चपटी आशकित झिल्लियों से बनी संरचना है। ये सिस्टर्नी समांतर व्यवस्थित होकर लैमिलों का निर्माण करती है। जो हमारा सिस्टर्नी होता है, ठीक है, मतलब लाइसोसोम में जो हमारा सिस्टर्नी होता है वो क्या करता है कि समांतर व्यवस्थित करता है, समांतर रूप में व्यवस्थित करके लैमिलों का निर्माण करता है। किसका? लैमिलों का निर्माण करता है और आ
आर ई आर का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? आर ई आर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स है, मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसमें से जो आर ई आर है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो हमारा सिस्टर नहीं होता है गाइस वो क्या करता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरीके से विकसित होता है। ओके, सेकंड है हमारा पुटिका। ठीक है, सेकंड हम पुटिका की बात करते हैं कि ये सिस्टर्नी से अलग गोल और अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है जो SER में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मतलब सिस्टर्नी जो हमारा होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विकसित होता है और जो हमारी पुटिका होती है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नलिकाएं, मतलब जो हमारी ट्यूबवेल्स होती हैं वो किसमें होती हैं। ये पुटिका तथा सिस्टर्नी से अलग अलग और सखित संरचना है, ये मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुला गॉल्जी काय के समान होती है, लेकिन इसके जो घटक भागों में अलग अलग किया जाता है और गॉल्जी काय की तरह जीवद्रव में इसका कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता। मतलब ये गाइस कि जो हमारा पुटिका मतलब कि जो नलिकाएं या ट्यूबवेल्स होती हैं वो जो हमारी होती हैं, ठीक है, वो मतलब कि सिस्टर्नी से अलग अलग और सखी संरचना होती है, वो स्मिथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छी तरह से विकसित होकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी काय के समान होती है। जैसे कि गॉल्जी काय का कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है, उसी प्रकार से ट्यूबल्स भी होता है जो उसका एक निश्चित का मतलब कि निश्चित स्थान नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि अब आगे हमारा क्या है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके प्रकार। जैसे कि अभी आपने आपको मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? टू। तो पहला हमारा खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयां। ठीक है, राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयां का मतलब क्या हुआ गाइस कि आपको पता है कि राइबोसोम हमारे टू टाइप्स होते हैं, एक 70S होते हैं और एक 80S के होते हैं। तो 70S में जो होता है उसे हम दो सब यूनिट में बांटते हैं। ठीक है, तो वही सब यूनिट को हम बोलते हैं उप इकाई। जो हमारी बड़ी सब यूनिट होती है वो 50S की होती है और सेकेंड सब यूनिट 30S की होती है। तो वही जो बड़ी सब यूनिट होती है वो राइबोफोरिन नामक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा जुड़ी होती है। ओके गाइस, को किसके द्वारा? ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। किसमें? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, जो क्या करती है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अग्नाशय यकृत और गॉबलेट कोशिकाओं, ठीक है, में पाया जाता है और ये ट्रांसलेशन के द्वारा बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तथा ये जो हमारा मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन छटनी मतलब प्रोटीन शॉर्टिंग का भी कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में। चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, इस प्रकार ER पर राइबोसोम और राइबोफोरिन अनुपस्थित होते हैं। मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम और राइबोफ्लोरिन दोनों अनुपस्थित होते हैं, दोनों नहीं होते। यह मांसपेशियां और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत मानी लीवर कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मतलब जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली किसको, ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली लीवर कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली के लिपिड का संश्लेषण तथा स्टेराइड हार्मोन संश्लेषण का प्रमुख स्थल होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका का कार्य क्या होता है, मतलब कि रफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज क्या होता है। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, वो स्कर्बिक एसिड विटामिन सी का संश्लेषित किया जाता है। सेकंड है,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विटामिन ए से रेटिना का वर्णक का निर्माण करता है। थर्ड नंबर, ये लिपिड और संश्लेषण और स्टेराइड हार्मोन्स में भाग लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इसका यूज क्या होता है, आगे ये क्या करता है, ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम ऑक्सीजिनेज की सहायता से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अविषालु पदार्थ की विषैलता को कम डेटोरोफिकेशन और ड्रग किया जाता है। ओके, और ये पौधों में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पोरोसोमे ठीका का निर्माण भी करती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य, कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण करते हैं या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ठीक है करते हैं, एंड ग्लाइकोसिलेशन का प्रक्रिया रफ इंडोप्लाज्मिक में होती है, और रफ इंडोप्लाज्मिक में प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन और को नष्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस तरीके से कार्य करता है। लास्ट क्या है हमारा, कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण किया जाता है। ओके, तो इस तरह के से हमारे राइबोसोम मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य हुए। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया गया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, इसकी संरचना, इनके घटक के बारे में और इनके कार्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मतलब सारे ऑर्गेनल्स, मैंने जितने भी ऑर्गेनल्स आपको बताया है उन सारे ऑर्गेनल्स पे एक अलग अलग से क्वेश्चन टाइप का मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको सारे ऑर्गेनल से ये पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं अलग अलग एक एक ऑर्गेनल्स के एक अलग अलग टॉपिक बनाऊंगी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।